नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। मकसूदनगढ़ में पत्रकार टोनी शाह के खिलाफ मिथ्या पूर्वक शिकायत कर आखिरकार शिकायतकर्ता ने अपनी गलती मान ही ली। मुकावत के रहने वाली एक महिला ने मकसूदनगढ़ चौकी पहुंचकर पत्रकार टोनी शाह के खिलाफ दिया था एक आवेदन, जिसमें कहा गया था कि टोनी शाह उसके साथ ब्लैकमेल एवं अभद्र व्यवहार करता है। वहीं इसके विपरीत महिला 3 दिनों से अपने पति के साथ पुलिस चौकी के चक्कर काट रही है ताकि वह अपना आवेदन वापस ले सके, क्योंकि महिला के पति और महिला के अनुसार उन्होंने गलती से टोनी शाह के नाम आवेदन दिया था। ने जो उकावत पुलिस में आवेदन दिया था, तो वो आवेदन क्या आप वापस लेना चाह रहे हो? हाँ जी सर। उस पर क्या कोई कार्रवाई करवाना चाह रहे हो? नहीं करवाना चाह रहे। तो आपकी क्या पत्रकार टोनी शाह से कोई लड़ाई बढ़ाई चिल्ला छोट या वो पैसे मांग रहे थे आपसे? सर कोई लड़ाई नहीं है उनसे। पैसे वगैरह की मांग करी थी कभी? सर ऐसा तो कुछ नहीं है। कभी नहीं करी? और आपके साथ या आपकी मिसेज के साथ अभद्रता वगैरह करी थी क्या? सर वो तो गलत फहमी में हुई शिकायत हमसे। अच्छा, आवेदन गलत फहमी में दिल गया? हाँ गलत फहमी में दिल गया। तो अब आप क्या चाहते हो? वो आवेदन वापस लेना चाहते हैं और कोई उनसे कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। कौन के ऊपर? टोनी शाह सर के ऊपर। टोनी शाह के ऊपर? तो आपका आवेदन अभी आपके बयान वगैरह पुलिस ने लिए कि नहीं? अभी नहीं लिए। नहीं लिए? कब से घूम रहे हो आप? नहीं सर, शाम से आए थे और अभी आए। अच्छा, आज रोजगार सहायक संगठन ने निकाली तिरंगा यात्रा। आपको बता दें कि रोजगार सहायक संगठन पिछले 24 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी गई। रोजगार सहायकों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वह हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि रोजगार सहायक संगठन की यह हड़ताल प्रदेश व्यापी हड़ताल है। संगठन के धरना का 24वां दिन है। सरकार की तरफ से कोई भी संतोषजनक संदेश न मिलने के कारण आज शांतिप्रिय रैली के रूप में तिरंगा झंडे की यात्रा निकालने का प्रदेश संगठन से आह्वान किया गया था। समस्त 51 जिलों में शासन को स्वरूप में ये किया जा रहा है और आगामी संदेश ये भी रहेगा कि अभी भी वक्त रहते शासन हमारी जायज मांगों को निश्चित समय में पूर्ण करे, ताकि जनहित, शासन हित और कर्मचारी हित में। फिर भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे और आप क्या कदम उठाएंगे? आगे अगर मांग नहीं मानी जाती है तो 13 तारीख से भोपाल में उग्र आंदोलन होगा। डीवाईओ द्वारा ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी ट्रेन को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ कराए गए हस्ताक्षर। डीवाईओ ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे यात्रियों से हस्ताक्षर कराए, जिसके बाद इसे रेलवे स्टेशन मास्टर को सौंपा गया। डीवाईओ का कहना है कि ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस को जो अभी बीना तक ही चल रही है उसे फिर से भोपाल तक किया जाए, तथा जो खबरें आ रही हैं कि जुलाई से इंटरसिटी एक्सप्रेस को बंद कर दिया जाएगा उसे बंद न किए जाए। डीवाईओ का कहना है कि रेलवे प्रशासन इंटरसिटी को बंद करने का कारण घाटा बता रही है। अगर गाड़ी घाटे में जा रही है तो मंत्रियों की आय में से कटौती की जाए, पर ट्रेन को बंद न किया जाए। ट्रेन बंद मत करिए, जनता जा पाएगी नहीं तो कितनी महिलाएं आज इंटरसिटी से बीना तक जाती हैं, बीना से स्टेशन पे उतर के ऑटो से जाना पड़ता है, दूसरी ट्रेन को पकड़ना पड़ता है। इसीलिए ये मांग बार बार उठाई जा रही है कि ट्रेन को बंद ना करें। भोपाल इंटरसिटी को बंद करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी को चालू रखना होगा, रखना होगा, रखना होगा। घाटे से ये मांग करने के लिए आए हैं कि इस ट्रेन को जो बीना तक जा रही है इसे पुनः भोपाल तक चलाया जाए। और ये बार बार कहा जा रहा है, हमारी DRM से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इसको चालू रखेंगे, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर वो लगभग 4 महीने से बीना तक ही जा रही है। रेलवे के बहुत सारे साथी भी चाहते हैं कि वो भोपाल तक जाए,
लेकिन अगर वो ट्रेन बंद हो गई तो आम आदमी के लिए मुश्किल होगा जो बिना से ट्रेन बदल के भोपाल जाएगा। हमने एक सुझाव रेलवे को दिया था भोपाल चला दिया जाए ताकि उसका इंजन रुठियाई में चेंज नहीं करना पड़ेगा, और जो ट्रेन ग्वालियर से आ रही है भोपाल जाने के लिए जिसका इंजन चेंज होता है वो इधर से सीधी इंदौर भेज दी जाए ताकि इंजन चेंज करने में आधे घंटे का जो समय लग रहा है वो भी बच जाएगा। तो हम ये बार बार मांग कर रहे हैं कि ट्रेन बंद ना की जाए, बल्कि एक मांग और है कि नई ट्रेन और चलाई जाए दोनों ट्रेनों के अलावा। आज हमने रेल मंत्री के नाम एक ज्ञापन रेल यात्रियों के हस्ताक्षर करके हम सब लोगों ने हस्ताक्षर करके सौंपा है यहाँ स्टेशन मास्टर को। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो इंटरसिटी ट्रेन चलती है जो ग्वालियर से होते हुए भोपाल तक जाती थी वो पिछले 4 महीने से लगभग बीना तक जा रही है। हम ये मांग कर रहे हैं कि उसको पुनः भोपाल तक चलाया जाए, लेकिन अभी उल्टी खबर सुनने को मिल रही है कि ये ट्रेन घाटे में चल रही है इसलिए उसे बंद कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, कल को अस्पताल घाटे में चलेगा तो अस्पताल बंद कर देंगे। सवाल घाटे का नहीं है, जो लोक कल्याणकारी राज्य का हमारा एक कंसेप्ट है उसका मायने है कि अगर कोई चीज़ घाटे में भी चल रही है वो जनता से जुड़ी है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको चलाया जाए। पैसे की कमी का जहाँ तक सवाल है तो हमारा नेताओं से आग्रह है जो इसे बंद कर रहे हैं वो अपने वेतन भत्तों में कटौती कर लें ताकि ट्रेन पर कोई असर ना पड़े। नेता तो एक आदर्श के रूप में है तो सबसे पहले कटौती वो खुद के उसमें करें, फिर पैसा कम पड़ेगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन ट्रेन को बंद ना किया जाए। ये ट्रेन की खबर आ रही है कि जुलाई से इसे बंद कर रहे हैं। हम ये बार बार मांग उठा रहे हैं DYO की ओर से भी कि ये ट्रेन को पुनः भोपाल तक चलाया जाए और किसी भी स्थिति में बंद ना किया जाए। अगर बंद होगी तो समस्त क्षेत्रवासी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ अपनी मांगों को लेकर 4 दिवसीय हड़ताल पर बैठा है। वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए धरने पर बैठे उन्होंने बताया कि वर्तमान में नायब तहसीलदार की ग्रेड पे 3600 रुपए है जिसे 4200 रुपए किया जाए तथा तहसीलदार की ग्रेड पे को 5400 किया जाए। अपनी मांगों को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी 4 दिन से हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि राजस्व अधिकारी पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, फिर भी प्रशासन इनकी मांगे नहीं मान रहा है। हमारी मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा, इसके द्वारा हमारी जो सेवा शर्तें हैं और वेतन मान है और कई विसंगतियाँ हैं इनके विषय में समय समय पर कई बार ज्ञापन दिए गए हैं, और पिछला ज्ञापन हमने जनवरी में भी दिया था लेकिन शासन इसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी पुनः आज ज्ञापन देकर ज्ञापन के साथ 3 दिवस की छुट्टी 12 से लेकर 15 तक तो CL ले रहे हैं आकस्मिक अवकाश 4 दिवस का, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतेगी तो फिर अर्जित अवकाश का आवेदन भी हमने आज ज्ञापन के साथ दिया है। उसमें हम 26 जून से लेकर 9 जुलाई तक छुट्टी पर जाएंगे और फिर उसके बाद अनिश्चितकाल में हड़ताल की जाएगी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संघ DSO ने दिए ज्ञापन। कॉलेज में कई तरह की कमियों को लेकर एक ज्ञापन प्रभारी प्राचार्य को दिया गया जिसमें लाइब्रेरी, नवीन भवन एवं बॉयज हॉस्टल की मांगें मुख्य रूप से थीं। ऐसे में छात्राओं की पढ़ाई का आर्थिक बोझ भी बढ़ता है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को किराए से कमरा लेकर रहना मुश्किल भी होता है। साथ ही महाविद्यालय में लाइब्रेरी के नाम पर एक जर्जर हॉल है जिसकी दीवारों से सीमेंट गिरने लगा है। पुस्तकें और हॉल ना होने के कारण छात्र प्रवेश लेने आते हैं लेकिन सीट संख्या कम होने के कारण सैकड़ों छात्र प्रवेश लेने से वंचित हो जाते हैं जिससे उनकी पढ़ाई करने का सपना धूमिल हो जाता है। तथा छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO आपसे छात्र प्रति श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय PG कॉलेज गुना आज यहाँ पर गुना PG कॉलेज में छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO द्वारा कॉलेज समस्याओं को लेकर के प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन के द्वारा हम लोगों ने मुख्य 3 मांग यहाँ पर रखी। पहली मांग जो पिछले 6 साल से जो बॉयज़ हॉस्टल है वो बंद पड़ा हुआ है, तो उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर सर से मांग की है कि जो हॉस्टल है
उसको कम से कम फीस में, ताकि हर स्टूडेंट्स उसकी फीस भर पाए, उसको शुरू किया जाए। तो इस डिमांड में अभी सर ने बोला है कि वो जुलाई से इस हॉस्टल को, जो बॉयज़ हॉस्टल है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पिछले कई समय से लाइब्रेरी हॉल की पूरी स्थिति ख़राब पड़ी है, उसके छत से पूरा का पूरा सीमेंट गिर रहा है। तो जो लाइब्रेरी हॉल है उसको एक नया हॉल बनवाया जाए, ताकि जो बच्चे दूर दराज से आ रहे हैं या कोई पढ़ने आ रहा है वो वहाँ पर बैठ कर पढ़ सकें। इस मांग को लेकर के हम लोगों ने सर से बात की, सर ने इस पर भी बोला है कि इसका प्रोसेस चल रही है। तीसरी हम लोगों ने यहाँ पर मांग रखी कि जो बिल्डिंग अभी 6 कमरे नए बनवाए हैं, अगर इसको सर अभी हैंडओवर जो बिल्डिंग कॉलेज के लिए होती तो और सीट संख्या बढ़ पाती और जो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को एडमिशन मिल पाता, लेकिन अभी बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हो पाई ऐसा सर का कहना है। लेकिन हम मांग कर रहे हैं किसी साहस इस बिल्डिंग को हैंडओवर करके उसको शुरू किया जाए। मगराना से एक किसान को वापस लौटाए मंडी विभाग के कर्मचारियों ने। मगराना निवासी किसान का कहना है कि उसने अपनी चने की फसल में दवाई डाली थी ताकि वह खराब ना हो जाए। वहीं मंडी कर्मचारियों ने यह कहकर उसका चना वापस कर दिया कि इस चने में घुन लगा हुआ है, जबकि किसान की माने तो उसमें कोई घुन नहीं लगा हुआ है, केवल दवाई का पाउडर दिख रहा है। अब ऐसे में किसान चना वापस लेकर जाए या यहीं छोड़ दे। समस्या ये है कि मेरा चना लाया हूँ मैं 27.5 क्विंटल का मैसेज है, जिसमें मैंने कच्ची घर दीवारों की वजह से बचाने के लिए मिथाइल पाउडर मिलाया था, जो कि उसमें अभी भी थोड़ा सा दिख रहा है, और इन्होंने भुना चना कहकर रिजेक्ट कर दिया। चना भुना हुआ नहीं है, साफ है। मैं चने की खड़ी करके लाया हूँ, पर थोड़ा सा पाउडर उसमें अभी भी दिख रहा है, और दिखने की वजह से रिजेक्ट कर दिया। ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं लें, रिजेक्ट कर दिया। चांचौड़ा में विशाल गुर्जर महासभा का हुआ जोरदार समापन। चांचौड़ा तहसील के बीनागंज कस्बे में जलसा गार्डन में विशाल गुर्जर महासभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह, विशिष्ट अतिथि राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के साथ साथ मीना सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश मीना और कांग्रेस के कई सारे विधायक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं सभी अतिथियों का गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष सीताराम गुर्जर ने फूल मालाओं से स्वागत कर सत्कार किया। इसके साथ ही मुरैना विधायक मुकेश कंसाना ने अपने उद्बोधन में भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए भाजपा को चोरों की पार्टी बताया। इस पार्टी ने देश में नफरत फैलाई है। तथा शिवराज सिंह चौहान को नकली मामा के नाम से बुलाया और उनको मारिच का नाम भी दिया। भाई सीताराम जी, अभिनंदन कर लोग हैं, कृपया पंच आ जाए, जिससे आज यहाँ से महापंचायत का एक कार्यक्रम प्रारंभ होता है। हमारे बीच जावरा राजगढ़ को भूलने की जरूरत नहीं है, धोखा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सही 5,000 रुपए हो तो सीधा दिया होता है, लाइन में आता है और आपके बाहर कार्ड जाता है और कहता है कि पहले बिल भरो, नहीं तो केस दर्ज करेंगे। अगर कनेक्शन के इवाल से ला रहे हो तो कनेक्शन में नहीं खींचो तो ही आपको जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। आज के समय जो बड़े उद्योगपति, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी, महासभा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रदेश अध्यक्ष मीना समाज सेवा संगठन की तरफ से मेरे को भी आमंत्रित किया गया था। इसमें माननीय जयवर्धन सिंह जी, विधायक रामपाल प्रधानी, गुर्जर महासभा पूर्व सांसद चाचौड़ा ब्लॉक के तत्वाधान में विधायक आज एक विशाल गुर्जर महासभा का आयोजन यहाँ होने जा रहा है। कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा? चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। डीजीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।